नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आज सोमवार दिनांक 30/11/2020 को यातायात माह नवंबर 2020 के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी व विशिष्ट अतिथि क्षेत्राधिकारी नगर यातायात गौरव कुमार त्रिपाठी की उपस्थिति में यातायात कार्यालय परिसर में यातायात माह का समापन कार्यक्रम किया गया, जिसमें शहर के पैट्रियाट इंटर कॉलेज, संडीसन इंटर कॉलेज, जगन्नाथ सहा इंटर कॉलेज एवं अन्य विद्यालयों के प्रबंधकों को यातायात माह में यातायात पुलिस का विशेष सहयोग प्रदान करने एवं बच्चों को कला निबंध एवं क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं एवं यातायात पुलिस के उत्कृष्ट गर्मी का अवार्ड हेड कांस्टेबल रामजी सिंह आरक्षी सतपाल को प्रशस्त पत्र व प्रतीक चिन्ह भेंट करके पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी द्वारा सम्मानित किया गया। यातायात माह के दौरान यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों के प्रति प्रत्येक दिन जागरूकता कार्यक्रम अभियान चलाए गए तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कुल 6,899 वाहनों का ई चालान करके 14,37,000 वसूला गया। उक्त कार्यक्रम के अवसर पर विद्यालयों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए तथा कार्यक्रम में शहर के डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, गोविंद गुप्ता, अजीत पाल सिंह, राजेश अवस्थी, डॉक्टर शशि रंजन, डॉक्टर एस के पांडे, प्रभा यादव, के मिश्रा, पत्रकार बंधुओं में कुमकुम कुमारी, अनिल प्रजापति, अनुराग द्विवेदी, अभय कुमार दीक्षित, पिंकू सिंह, शुभम निगम, विकास जायसवाल, राजेश शर्मा एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मनीष सिंह सेंगर व डॉक्टर रचना सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि व गणमान्य व्यक्तियों को प्रभारी यातायात प्रदीप कुमार द्वारा आभार प्रकट किया गया। प्राइम न्यूज 24 से लखनऊ मंडल ब्यूरो अनिल प्रजापति की रिपोर्ट। इस तरह पूरे माह अभियान चलाया गया, लोगों को जागरूक। आज यातायात माह का समापन हो रहा है। इस पूरे महीने में ट्रैफिक के नियमों के जागरूकता हेतु कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए गए, जिसके स्कूल कॉलेजेस का पार्टिसिपेशन रहे। इसके अलावा पैम्पलेट पोस्टर के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया, रैलीज के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही साथ कुछ एक्टिविटीज ट्रैफिक पुलिस के द्वारा की जाती है, जिसमें एनफोर्समेंट से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, जिसमें चालान किया जाता है, मास्क ना पहनने वाला, सीट बेल्ट ना पहनने वालों का, हेलमेट ना पहनने वालों का, इसमें काफ़ी संख्या में जो है चालान भी किए गए हैं। पर मेन फोकस जो है अवेयरनेस क्रिएशन का पूरे अभियान के दरम्यान रहा है, और उसी पर्पज़ से स्कूल कॉलेजेस में जो है इस तरह के ड्राइव्स जगह जगह जो है चलाए गए, और साथ ही कुछ रैलीज भी निकाली गई थी। आज समापन हो रहा है, समापन कार्यक्रम में भी जो है स्कूल कॉलेजेस के बच्चों के द्वारा कुछ प्रोग्राम्स की प्रस्तुति की गई, और भविष्य में भी हम लोग एक्शन प्लान बना के सुगमता से ट्रैफिक चलने के लिए जो है कार्य योजना बना के काम किया जाएगा, और एनफोर्समेंट में भी फोकस रहेगा। साथ ही साथ अब आगे विंटर्स आ रहे हैं, विंटर्स में जो है ट्रैक्टर ट्रॉलीज के कारण कई दुर्घटनाएँ होती हैं, और इन दुर्घटनाओं की वजह से जो है कई लोग इंजर्ड होते हैं, कैजुअलिटीज भी होती हैं। इसके लिए भी ट्रैक्टर ट्रॉलीज के पीछे रिफ्लेक्टर लगाने का हमारा फोकस था, आगे भी इसको हम कंटिन्यू करेंगे, और इससे कई दुर्घटनाओं से हम बचेंगे। इस पूरे महीने में कितने क्या चालान हुए और कितना रेवेन्यू आया होगा? लगभग 14 लाख रुपए के ट्रैफिक के इसमें एनफोर्समेंट पे इसमें इस पीरियड में चलान हुए हैं, और मास्क ना पहनने पे भी लगभग 35 लाख रुपए का चलान से चलान। क्या बताएं